સુરતમાં લોકડાઉનની વચ્ચે ઘણા લોકો સુરત છોડી પોતાના વતન જતા રહ્યા છે, તો ઘણા લોકો સુરતમાં જ રોકાયા છે. જે લોકો સુરતમાં છે તેઓને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ માટે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જો કે આ બધામાં ઘણી બધી સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા અનાજની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તો કેટલાક લોકો ફૂડ પેકેટ વેચી રહ્યા છે. ત્યારે સુરતમાં સામાજિક સેવા કરતા યુવાનો દ્વારા ખીચડી વિતરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. जी आपका नाम? मेरा नाम सचिन सुरेश बारसिंह है. शिवनगर सोसाइटी में से मैं रहते हैं. हमने खिचड़ी वितरण का प्रोग्राम रखा हुआ है. तो हम लोग ने जो कैलाश नगर है, पुलिस कॉलोनी है, वैसे अमुक जगह पर जो गरीब इंसान है उनको खाने की थोड़ी दिक्कत है, उनके लिए हम लोग ने सेवा का प्रोग्राम किया हुआ है. तो अभी तक कम से ज़्यादा 700 से 800 लोगों को हम लोग ने अभी तक खिचड़ी खिलाई हुई है. अभी और अभी हम आगे जाके और सेवा देने वाले हैं. कितने दिनों से दे रहे हो? अभी 2 दिन से शुरू किया है सेवा देने. सेवा कब तक चालू रहेगी? अभी जब तक ये अपने ये कोरोना वायरस जब तक इसकी समाप्ति नहीं आती तब तक हम ऐसे ही सेवा देते रहेंगे. जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग है, जहाँ पे ये सेवा नहीं पहुँच रही है, उसके लिए आप क्या करो? जहाँ तक नहीं पहुँच रही वहाँ तक हम घर घर जाके ये सेवा देने का हमारे से जितना होता है उतना हम करेंगे सेवा देने का. लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप जितना हो सके उतना घर में रहे, घर से बाहर निकले ही नहीं. और क्या है, बाहर से निकलने की वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है. तो मेरा एक ही संदेश है सब लोगों के लिए कि आप घर में रहे और कहीं बाहर ज़्यादा निकले नहीं.